आईपीएल 2022 में शनिवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को प्लेऑफ्स में भेज दिया है। मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 159 रन लगा दिए, जिसे मुंबई ने 19.1 ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए ये हार दिल तोड़ने वाली रही। इस मैच में ऋषभ पंत की टीम ने लगातार अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ फैसलों की वजह से मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में हावी हो गई। मैच के बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, मैच में हम ज्यादातर वक्त हावी रहे, लेकिन हमने कुछ मौकों पर गेम को अपने हाथ से जाने दिया, जैसा हमारे साथ पूरे सीजन होता रहा है। ये मैच जीतने के लिए काफी नहीं था, ये प्रेशर की वजह से नहीं हुआ। हम बेहतर प्लानिंग कर सकते थे, हमें अपनी गलतियों से सीख कर बेहतर वापसी करने की जरूरत है। हमने 5-7 रन कम बनाए, हमने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आखिर के कुछ ओवर्स में ड्यू आया और हम हमारे प्लान्स को लागू नहीं कर पाए। हमें इससे सीख लेते हुए आगे बढ़ना है। टीम की प्लानिंग को सही से लागू नहीं करने वाली बात के बाद पंत ने टिम डेविड के खिलाफ DRS नहीं लेने पर भी बात की। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि वहाँ कुछ एज था, सर्कल पर खड़े हुए फील्डर्स में किसी को भी पूरी तरह से यकीन नहीं था, इसलिए मैंने DRS नहीं लिया। हम पॉन्टिंग से बात कर रहे थे कि हम बोलर्स को कहेंगे कि अब तक हमारे लिए जो काम करता आया है वही करें। पंत के बाद जसप्रीत बुमराह ने भी मैच पर बात की। बुमराह ने इस मैच में 3 विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। बुमराह ने मिचेल मार्श, पृथ्वी शॉ और रोमन पॉवल को आउट किया और अपने 4 ओवर में कुल 25 रन दिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद बुमराह ने बताया कि दिल्ली के खिलाफ उनके लिए क्या चीज काम कर गई। बुमराह ने कहा, मैं सिर्फ अपना गेम एंजॉय कर रहा था। आमतौर पर यहाँ की पिच काफी फास्ट है और यहाँ अच्छा बाउंस भी मिलता है, लेकिन आज की पिच स्लो थी और बाउंस भी नहीं मिल रहा था। विकेट में ज्यादा स्विंग भी नहीं था, इसलिए हमने उस हिसाब से बॉलिंग करने की कोशिश की। बुमराह ने टीम के युवा खिलाड़ियों पर भी बात की। उन्होंने कहा, आप जब नए होते हैं तब आपको बहुत कुछ सीखना होता है। मैं युवा प्लेयर्स की मदद करने की कोशिश करता रहता हूँ। हम पूरे साल अपना गेम इम्प्रूव करने का प्रयास करते रहते हैं। हमें अगले साल अच्छी वापसी करनी है। श्रीलंका से लौटने के बाद मैं अपने रिदम से काफ़ी खुश हूँ। मैं चीज़ों को आसान रखने की कोशिश करता हूँ। बुमराह के अलावा विनिंग टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि किन बल्लेबाजों के बीच हुई पार्टनरशिप ने MI के लिए मैच सेट कर दिया। रोहित ने कहा, हम जीत के साथ सीजन खत्म करना चाहते थे। अगले सीजन हम गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। हमने सीजन के सेकेंड हाफ में अच्छा प्रदर्शन किया। जब उन्होंने 160 का टारगेट दिया तब मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, क्योंकि पिच अटक रही थी। हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन डेवाल ब्रेविस और ईशान किशन की पार्टनरशिप ने हमारी पारी को संभाल लिया। प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर होने की बात पर रोहित शर्मा ने कहा, हमारे लिए कभी बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म किया तो कभी बॉलिंग ने। हमने इस टूर्नामेंट से कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं। हम जब भी ऑक्शन में जाते हैं हमारी नज़र ऐसे प्लेयर्स पर रहती है जो आगे चलकर हमारे लिए खेल सके। हम कुछ युवा प्लेयर्स को चुनते हैं जो आगे जाकर अपने देश के लिए खेल सके। RCB को क्वालिफाई करने पर बधाई। मैं चारों टीम्स को बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। IPL 2022 के प्लेऑफ के मैचेस 24 मई से कोलकाता और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। ये खबर आपके लिए लिखी है पुनीत ने। ऐसे खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स।